Delhi BGP President Virendra Sachdeva on Sunday attacked the AAP on the recent hike in power tariff in the national capital and announced demonstration across all 14 districts here to protest against the imposition of the power purchase agreement charges and other surcharges resulting in excessive electricity bills. He said during a press conference that the people of Delhi are being looted and added that the consumers should be charged the same amount of electricity on how much one consumes. He further questioned the imposition of surcharges. consumer <laughs> आप उससे उतने पैसे लीजिए आपको ये सरचार्ज लगाने की जरूरत क्या है और इस मांग को लेकर हमने डी आर सी के चेयरमैन को यह पत्र लिखा है और 2015 से 2024 तक जितना पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली बिलों के माध्यम से लूटा है इसकी न्यायिक जांच की हमने मांग की है हमने उनसे निवेदन किया है कि ये प्रावधान चेक किए जाएं, पीपीएससी किस संदर्भ में लगाया जाता है लोड सरचार्ज लगातार क्यों लिया जाता है मीटर रेंट का क्या प्रावधान है और पेंशन सरचार्ज जो एम्प्लॉ एक बिजली कंपनी के लिए काम कर रहा है रिटायर होने के बाद उसको पेंशन देने का, काम, उस बिजली का है उसका अधिभार दिल्ली की जनता क्यों बर्दाश्त करे भ्रष्टाचार का इससे बड़ा ताजा उदाहरण हो नहीं सकता कि जहां दिल्ली सरकार मौन बनकर पैसे कमाने की छूट दे रही है और उस पैसे कमाने में अपना कमीशन खा रही है और कहते हैं कि हमने दिल्ली में कभी यूनिट का किराया नहीं बढ़ाया अरे कहे को बढ़ाने की जरूरत है भाई पैंतालीस प्रतिशत तक आप पहुंच गए हो थर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट पीपीएससी ले रहे हो आठ पॉइंट पिछहत्तर की चिट्ठी आपने लिख दी है उसको भी बढ़ा दोगे पैंतालीस ये हो गया सात परसेंट से ज्यादा आप पेंशन चार्ज हो गया बावन परसेंट मीटर सर्च, मीटर लोड और मीटर का किराया अलग है तो आम आदमी कहाँ जाके मरेगा हमने कल एक बिल देखा पच्चीस का बिल है एक महिला का और सोलह हजार रुपये सिर्फ इस के हैं मतलब उसने ईमानदारी से सात आठ हजार रुपये कंज्यूम किया होगा बिजली का लेकिन बाकी पैसा इसलिए देना है क्योंकि वो इन भ्रष्टाचारियों की जेब में जाना है और ये तो एक घर की कहानी नहीं है दिल्ली के हर घर की कहानी है दिल्ली का हर वो घर मैं तो आपसे भी एक निवेदन कर रहा हूं एक बार अपने घर का बिल चेक कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए जरा कि कितना पीपीएससी है कितना पेंशन सरचार्ज है कितना लोड सरचार्ज है और कितना मीटर रेंट है उसके बाद ईमानदारी से सोचिएगा हम सब लोग काम पे निकल जाते हैं हमें लगता है पीछे बच्चों ने एसी चला लिया कितना कंज्यूम कर लेंगे भाई लेकिन आप तो सीधी जेब काट रहे हो दिल्ली सरकार की जेब काटने का जो नियत है चाहे शराब नीति हो या जल घोटाला हो दिल्ली पानी के लिए मर रही है लेकिन यहां तो जेब काट रहे हैं लिए जाओ पैसे और जो ईमानदार आदमी बिल भर रहा है वो इसका खामियाजा भुगत रहा है तो हमने मांग की है डीआरसी चेयरमैन से कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और इस पूरे विषय को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी कल दिल्ली में हमारे चौदह सांगठनिक जिले हैं और चौदह बिजली के बड़े दफ्तर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह धरना भी देंगे प्रदर्शन भी करेंगे और ये सरचार्ज लेने की मांग को लेकर हम लगातार आंदोलन करेंगे दिल्ली वालों को इस तरह से अरविंद केजरीवाल उसकी सरकार को लूटने नहीं थे